आज का युग एक ऐसा युग है जिसमें महिलाओं को संविधान में कई अधिकार दिए गए हैं। आज महिलाएं इस विकासशील भारत को विकसित बनाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही हैं और साथ ही साथ खुद को सशक्त भी बना रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में महिला सशक्तिकरण का एक अलग रूप देखने को मिला है। यहाँ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं घर की दहलीज से निकलकर अब सार्वजनिक स्थानों पर कैंटीन का सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं। बाराबंकी के विकास भवन में इन महिलाओं द्वारा खोली गई पहली कैंटीन का ऐसा असर हुआ कि अब ये पूरे जिले के सभी विकास खंडों में खोली जा रही हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय आजीविका मिशन की महिलाएं बाराबंकी के थानों में प्रेरणा कैंटीन खोलकर पुलिस और जनता के लिए खाना, नाश्ता और चाय बनाएंगी। ये सभी सामग्री उचित मूल्यों पर उपलब्ध होंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसका पूरा नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, ये केंद्र द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पूरे देश में गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए विविध आजीविकाओं के संवर्धन द्वारा ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन करना है। इस मिशन में स्वयं सहायता की भावना में कम्युनिटी प्रोफेशनल के माध्यम से समुदाय संस्थानों के साथ कार्य करना शामिल है। इस कार्यक्रम की अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर समर्पित कार्यान्वयन सहायता इकाइयों के साथ एक स्पेशल पर्पस व्हीकल द्वारा एक मिशन मोड में लागू किया गया है और प्रेरणा कैंटीन भी इसी तरह से चलाया जा रहा है। फिलहाल आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।